माता रानी का दर्शन करने जाऊंगी, तो मैं जिस दिन माता रानी का दर्शन करने जाऊंगी उस दिन ये साड़ी पहनकर जाऊंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और दोस्तों, और देखिए आर्या इधर खेल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मतलब बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही आप लोग को इस वीडियो में आज बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग मतलब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा किस वीडियो में क्या है और क्या नहीं है, और मतलब ये वीडियो मतलब क्या खास होने वाला है। और मतलब इस वीडियो में आप सबको मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, और वो चीज़ आप लोग को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप लोग भी खुश होंगे क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि इस खुशी की वजह आप लोग हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मतलब इस दिन का मैं 3 साल से वेट कर रही थी, मतलब 3 साल से कि मेरी ज़िंदगी में कब ये दिन आएगा, कब आएगा। वो दिन फाइनली अभी आ गया है। वो क्या दिन है और क्या मतलब, आज मैं आप सबको इस वीडियो में कुछ दिखाने वाली हूँ। क्योंकि तो मैंने आप सबको कल की वीडियो बताया था कि मतलब मेरी सासू माँ ने कुछ भेजा है घर से, क्योंकि मेरे देवर जी आए हैं तो कुछ भेजी हैं वो। और क्या भेजी हैं क्योंकि कल नहीं दिखा सकती, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, वैसे भी और लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप सबको दिखा रही हूँ। और वो बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ भेजी हैं, और क्या क्या भेजी हैं वो सब आप लोग को भी देख करना बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आप लोग को पसंद आएगा। तो मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी, अभी तो मैं बाहर हूँ, उसके बाद अभी रूम में लेकर चलूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी कि मतलब क्या क्या चीज़ आया है मेरे ससुराल से, मेरे लिए मेरी सासू माँ ने भेजा है। और आर्या देखिए अभी पानी में भीग रहा है, बहुत बदमाशी करता है। तो आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ और ले चलती हूँ अंदर रूम में, और आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ आया है। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अभी आप सबको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी देख सकते हैं हम रूम में आ गए, और देखिए इतना सारा सामान आया है मेरे लिए, और उसमें क्या क्या चीज़ है वो सब अभी आप सबको खोल खोल कर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है और किसके लिए आया है। इसमें तो 2 सेट कपड़ा है, और किसके लिए कपड़ा है ये सब भी आप सबको दिखाएंगे, और ये सामान है और क्या क्या चीज़ है ये सब दिखाएंगे। और पहले देखिए आर्या को, आर्या वो देखिए, और देखिए भीग गया है तो मैं पहले इसका कपड़ा चेंज कर देती हूँ, उसके बाद आप सबको मोबाइल एक जगह रख कर उसके बाद आप सभी को खोल कर एक एक चीज दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में से बने रहिएगा, तब अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप सबसे आर्या का कपड़ा चेंज करने के बाद। तो फाइनली दोस्तों अभी मैंने मोबाइल को एक जगह रख दिया है, और मैं देखिए अभी सब चीज आप सबको दिखाने जा रही हूँ। देखिए इतना सारा चीज है, इतना सारा मतलब सामान है, और देखिए फट गया, थोड़ा गिर गया, और देखिए इतना सारा सामान है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है मैं आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि इतना सारा सामान मेरे लिए पहली बार गांव से आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस खुशी की वजह सबसे ज़्यादा आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया और मेरे घर वाले देखे, मतलब मेरे ससुराल वाले देखे, और मेरी मम्मी पापा पता नहीं देखे कि नहीं, उन लोगों तक का मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया, उन लोग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने देखा और मेरी सासू माँ ने भेजा है। और क्या क्या भेजा है सबसे पहले मैं ये वाला, अरे ये देखिए मतलब पहले ही छिटा गया, आप लोग देख सकते हैं इसमें मतलब वो मटर है, मटर वो क्या बोलते हैं, मटर देखिए मटर है, मतलब वो जो मटर रहता है उसको सुखवा कर गाँव में फिर रख देते हैं, भिगो गो कर खाते हैं, तो मतलब इसको भूज कर खाते हैं तो अच्छा लगता है। ये मटर है, और एक बहुत ही खास चीज, बहुत ही अच्छा चीज एक आया है हम लोगों के लिए, और वो चीज़ सब लास्ट में आप लोग को दिखाएंगे कि क्या चीज़ है। और ये देखिए आम की खटाई है, ये है आम की खटाई, इसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसको दाल वाल में और खिचड़ी में डालो, कढ़ी बनाओ उसमें डालो तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भेजी है, आम उम फरा रहा होगा तो मतलब थोड़ा सा भेज दिए हैं, बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा, क्योंकि तो यहाँ पे कहाँ सुखाएंगे, कहाँ मिलेगा आम, नहीं मिलता गाँव में तो मिल जाता है, तो आम का मतलब खटाई भेजी है वो मेरे लिए। और दोस्तों ये चावल है, ये पता है कौन सा चावल है, ये वाला मतलब जो भात है, ये भुजिया चावल है, जिसका मतलब हम लोग लाई बनाते हैं, लाई लाई जानते हैं ना आप लोग, भुजा जिसको बोलते हैं वही चावल है। तो मतलब कभी इसका मतलब खिचड़ी बनाकर खाओ, और मतलब इसको मतलब साग, साग नहीं होता है साग, और भुजिया का भात पुराने जमाने के लोग खाते थे, तो मतलब वो ऐसा बनाकर खाओ, साग भात बहुत अच्छा लगता है, मतलब भुजिया का भात और साग। तो मैं किसी दिन बनाऊंगी इसका मतलब भात बनाऊंगी,
और साग बनाऊंगी और किसी दिन इसका खिचड़ी भी बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मतलब वो भेजी है, मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना पता था कि मेरे देवर जी आने वाले हैं, ये बताए थे फोन करके, मतलब नंबर था तो ये फोन किए थे, और मैंने कुछ मांगा नहीं था लेकिन वो भेज। और दो चीज बहुत खास है, बहुत ही प्यारा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है, और वो क्या चीज है आप सबको दिखाएंगे। वो दोनों चीज इसमें है, इसमें है, और क्या चीज है इसमें वो आप सबको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए इसमें का दिखाएं किसमें का दिखाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें का दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसमें का दिखाऊंगी। तो अभी निकालते हैं, आप लोग को ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं। देखिए ये है मेरे बाबू का कपड़ा, देखिए बाबू की दादी ने भेजा है, और बाबू के लिए कपड़ा पहली बार, मतलब मेरा बाबू 2 साल का होने वाला है तब भेजी है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, आप लोग बताइए कैसा है। पीला कलर है, और ये तो मतलब वैसा है क्या, गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा शर्ट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, दोनों बहुत प्यारा है, लेकिन अभी बाबू को पहना दे तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। आप लोग बताइए कि कैसा है, क्योंकि बाबू की दादी ने भेजा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हम लोग खुश हैं कि मतलब अरे के पापा नहीं ले पाते हैं इतना महंगा कपड़ा ऐसा, लेकिन देखिए ये भेजी है पहली बार बाबू के लिए अपने। मेरा बाबू पहनेगा तो कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मैं पहनाकर अपने बाबू का वीडियो बनाऊंगी। और दूसरा चीज क्या है वो भी आप सबको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये दूसरा चीज है, आप लोग देखकर जान गए होंगे। तो दोस्तों दूसरा चीज है ये साड़ी, ये मेरे लिए साड़ी है, आप लोग बताइएगा कि मतलब कैसा है ये साड़ी, ये भी भेजी है मेरे लिए, बहुत ही सुंदर है और एकदम मुलायम है, बहुत हल्का। मैं साड़ी वैसे पहनती नहीं हूँ लेकिन वो भेजी है तो मैं जरूर पहनूंगी। और आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये साड़ी कैसा आप सबको लग रहा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और एकदम मुलायम, मतलब गर्मी उर्मी चाहे जब पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी मेरी सासू मम्मी ने भेजा है, आप लोग बताइएगा कि मतलब ये साड़ी आप लोग को कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार प्यार से इतने भेजा है, शादी के 3 साल बाद मतलब भेजी है। तो एक और एक मतलब पता है, एक लड़की का सपना होता है कि उसके ससुराल वाले एक्सेप्ट करें, उसके ससुराल से सब कुछ मिले, तो आज वो मेरा भी सपना था, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हो रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा साड़ी है, इसको मैं पहनूंगी कब दोस्तों, इसको मैं पहनूंगी, आप लोग को पहन कर दिखाऊंगी, जब आर्य के पापा, मतलब मैं मन्नत मानी हूँ ना कि अरे के पापा सही हो जाएंगे तो मैं माता रानी का दर्शन करने जाऊंगी। तो मैं जिस दिन माता रानी का दर्शन करने जाऊंगी उस दिन ये साड़ी पहनकर जाऊंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। तो दोस्तों मैं हम लोग के लिए गांव से इतना सारा सामान आया है, ये मेरे और मेरे बाबू के लिए और आर्य के पापा के लिए, मोहन जी के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो गलती किए हैं, तो उनके लिए बोली नहीं कुछ मैं तेरे लिए तुम्हारे लिए भेजूंगी, तो इसीलिए वो मतलब उनके लिए कुछ भेजी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है हमारे लिए भेजी, हमको बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये देख करके कि हमारे लिए इतना सारा सामान आया है। तो आप लोग को कैसा लगा है ये सारा सामान देखकर, पहली बार मेरे ससुराल से आया है, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसीलिए वीडियो में और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, सिर्फ आप लोग बताइएगा कि मतलब आप सबको मतलब इतना सारा सामान देकर कैसा लगा। मैं तो बहुत खुश, मैं तो रोने लगी थी शाम को, मतलब देख करके भावुक हो गई थी कि मेरे लिए कोई मतलब इतना सारा सामान भेजा, वो भी आप सबकी वजह से। तो आप लोग को मतलब कैसा लगा, और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज दोस्तों आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के लिए हम ऐसे भी। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिएगा, और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आर्या तो आगे खड़ा हो गया, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे मेरी भी जिंदगी में खुशियाँ आ जाए, और खुशियाँ आ रही हैं सिर्फ आप लोग की वजह से। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा हमारा, और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा
कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरा सब सामान आप सबको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।